वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है हिमाचली व्लॉगर नविता वर्मा। तो ये प्लेट्स में मक्खन डाल चुके हैं, दाल के साथ माश की दाल बनी है, तो इनको है कि हमें दाल के साथ मक्खन खाना है और बहुत टेस्टी लगता है इनको, तो खुश है। ये देखिए यहाँ तीनों हैं, तीनों खड़े हैं यहाँ पे अपने खाने का वेट कर रहे हैं कि कब जैसे हमारी बारी आए। तो ये देखिए प्लेट दाल है और उसमें है मक्खन, मैं नहीं खाती हूँ, ये खाते हैं। ले आ रही तुझे, पकड़ो पकड़ो फटाफट और खाओ। तो बस अब ये देखें, इसको वाटर चाहिए पहले। तो बस हमारा खाना लंच तैयार हो चुका है और मैं दे रही हूँ इनको खाना। ये पकड़ आराध्या की प्लेट है, इनको खाना दे रही हूँ खाने के लिए। अभी मुझे भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर के बाद खाऊंगी। तो इनको दे रही हूँ खीर, लस्सी लस्सी और साथ ही में देखिए ये देखिए लस्सी। इनके तो मज़े हैं, इनके मज़े हैं और खुश पड़े हैं क्योंकि ऐसे खाने के लिए बच्चे खुश रहते हैं। ये जो ऐसी चीज़ें आती है ना, ऐसे खाने के लिए खुश रहते हैं बच्चे। और बस अभी लंच तैयार हो गया है, तो बस मैं अभी इनको दे दिया है दाल चावल और आज चपाती भी बनाई, चावल भी बनाए हैं और साथ में है लस्सी मक्खन। तो चलिए ये देखिए, ये है नाइट का व्यू। और हाँ, एक्चुअली मैं भी डिनर डिनर बना के फ्री हो गई थी और बेटी गई है आज अपने फ्रेंड के साथ घूमने, तो वो अभी आएंगे थोड़ी देर में। तो फिर मैंने उनका खाना वगैरह भी बना दिया है, वो जब आएंगे तो खा लेंगे। और मैं निकल गई हूँ बाहर थोड़ा सा घूमने के लिए। और ये देखिए बाहर का नाइट व्यू है, बहुत अच्छा लगता है, चारों तरफ लाइट जली है और इतना अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये है संजौले का व्यू और चांदनी रात है, ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ सितारे चमक रहे हैं और फ्रेश फील करते हैं। तो बस उनको मैंने खाना बना दिया था, वो खा लेंगे और वो रेस्ट कर रहे हैं अभी घर में। उनकी कॉल आई थी मुझे, तो वो रेस्ट कर रहे हैं और मैं थोड़ा घूम लूँगी यहाँ पर फिर, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है और उनकी तैयारी भी करनी है, उनको ब्रेकफास्ट भी बनाना है। तो बस मैं थोड़ी देर घूम लेती हूँ और साथ ही साथ आपको भी दिखा रही हूँ यहाँ से व्यू, जो नाइट व्यू लगता है। मैं वैसे दिन का व्यू तो दिखाती रहती हूँ लेकिन नाइट में कैसा लगता है संजौली, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। क्या कर रहे हो आप? तो दिन का टाइम है और दिन के लगभग अभी 12:30 हो चुके हैं। और मैं एक्चुअली क्या है ना, आज मैं बहुत बिजी थी तो मैं आज वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरे घर पे आए थे गेस्ट, क्योंकि मेरी मेरी बेटी है, उनकी फ्रेंड्स आई थी, तो उसकी फ्रेंड थी और वो नाइट में आ गए थे तो वो यहीं रुके थे, तो मैं बिज़ी थी उनके साथ। और फिर सुबह मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, उनको ब्रेकफास्ट करवाया, तो और फिर वो चले गए हैं घूमने के लिए। अभी वो माल रोड गए हैं, माल रोड रिज घूमने गए हैं और मैं हो गई हूँ फ्री। थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया और टाइम लगभग अब 12:30 हो गए हैं, वो 11:30 बजे तक निकल गए थे और मैंने रेस्ट किया। तो आज मैंने बनाए थे उनके लिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बना के रखे हैं मैंने, अभी बना के रखे हैं छोले बना के रखे हैं मैंने, छोले बनाए थे। और साथ में मैंने यहाँ पे पूरियाँ भी बनाई थी, कुछ वो खा के चले गए हैं, पूरियाँ बनाई, छोले बनाए और पूरियाँ बनाई। और साथ ही में मैंने बनाए यहाँ पे ये देखिए भरवा करेले भी मैंने बनाए, चपाती बनाई। तो आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी क्योंकि करेले बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। और छोले बनाए और हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, तो उनके लिए मैंने लंच तैयार करके दे दिया था और वो खा के गए हैं। और साथ में यहाँ देखिए उन्होंने पता नहीं क्या क्या लेके आए हैं, वो बोल रहे थे कि हम कल शाम को आए, तो वो बोल रहे थे हम बर्गर लाए हैं। ये देखिए बर्गर यहाँ पे रखा है कि ये जो बच्चे हैं, मेरे छोटे वाले बच्चे हैं, ये खाएंगे, तो वो लेके आ गए थे। और साथ ही में पेस्टीज लाए थे, पता नहीं क्या क्या लाए थे, पिज़्ज़ा लाए थे, क्या क्या उनका खाने का काम होता है। बेटी थी उनके फ्रेंड थी, तो बस वो अभी उन्होंने अभी खाना खाया,
कल से वो होटल का ही खाना खा रही थी, बोल रहे थे नहीं आंटी अब हमको घर का खाना खाना है क्योंकि हम बोर हो गए हैं। तो फिर मैंने छोले बनाए और पूरियाँ बनाई थी, और अब बता रही हूँ मैं दूध बॉयल करने के लिए, क्योंकि मैंने वो ही लेके आए थे, दूध बॉयल नहीं किया है, तो दूध लगा दूँगी मैं बॉयल करने के लिए। फिर उसके बाद साफ सफाई की, नहाना धोना हुआ, सुबह कोई आ जाते हैं तो फिर बहुत टाइम लगता है, तो फिर बस वो चले गए तो फिर मैं फ्री हो गई। अभी पूरी तरह से साफ़ सफाई तो हुई नहीं है अभी यहाँ देखिए, यहाँ पे अभी पूरी तरह से साफ़ सफाई नहीं हुई है, अभी वैसे ही है, लेकिन हाँ थोड़ा फ्री हो चुकी हूँ। और साथ ही मैं यहाँ देखिए कितने सारे कपड़े धोने के लिए थे, तो यहाँ से और यहाँ तक पूरे कपड़े डाले हैं अभी सूखने के लिए, ये वाला काम था। और सुबह से काम में लगी हूँ, बस काम चले जा रहा है, सुबह से कुछ ना कुछ काम चल हो ही रहा है। और अभी गई है वो रेडी होके, तो यहाँ देखिए उनके बैग्स भी अभी यहीं हैं, अभी बैग भी यहीं रखे हैं उन्होंने, अभी आएंगी वो और शायद 5-6 बजे तक पहुँचती होगी। तो आज उनका है कि हम यहीं स्टे करेंगे, फिर उसके बाद वो कल निकलेगी यहाँ से। तो बस अभी मैं उनके कपड़े देखिए, कपड़े यहाँ रखे हैं उसने, हमारी बिटिया रानी ने कपड़े यहाँ फेंके हैं, खुद हीरोइन बनी है और चली गई है घूमने के लिए, और अपनी माँ को रख गई है काम करने के लिए कि मम्मा हमारे कपड़े लगाएं। और बस यहाँ पे देखिए, ये देखिए सब कुछ यहीं फेंक के गई है, रेडी हुई और भाग गई बस। तो बस अब मैं काम कर रही हूँ, साफ़ सफाई करते हैं, साफ़ सफाई हो चुकी है, लेकिन उनके कपड़े हैं जो वो कपड़े फैला के गई है, इसको हैंगर में डाली हुआ रही है ना उसकी जैकेट को, तो बस ये हो गया है। पर ये मैं फ्री हो गई हूँ कि मैंने सुबह से लगी थी, तो मैंने सुबह मतलब ब्रेकफास्ट बना दिया था, तो मेरे चने बचे हैं वो दिन के लिए भी हो जाएंगे, मैं इसमें थोड़ा सा सूप डाल दूँगी, तरी डाल दूँगी और चावल बनाऊँगी साथ में जिसने खाने होंगे, क्योंकि अभी हमने हैवी ब्रेकफास्ट किया है, तो मैंने भी उनके साथ ही कर लिया था ब्रेकफास्ट। तो बस वो चले गए हैं और मैं हो गई हूँ फ्री, थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ, उसके बाद बाकी काम करूँगी। अभी बहुत सारे कपड़े डाले हैं और बड़ी मुश्किल से वैसे धूप आई है, ये देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू, रूम से ही दिख रहा है, इतना अच्छा व्यू दिखता है यहाँ से पूरा। और अभी भी बल्कि बादल है आसमान में, अभी बादल आए हैं, अभी पूरी तरह से मौसम खुला नहीं है, पर फिर भी अच्छा लग रहा है और धूप निकली है तो कपड़े भी सूख रहे हैं। और यहाँ देखिए कितना सुंदर व्यू आता है यहाँ से रूम से, थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ, बैठने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पे बेड पे बैठे होते हैं, मैं और यहाँ से विंडो से देख रही होती तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस अभी मैं फ्री हो गई थी और थोड़ी देर रेस्ट भी कर रही थी, तो अब करूँगी और काम, फिर बस सारा हो ही चुका है फिलहाल, और काम होगा तो वो कपड़े वगैरह होंगे अभी, लेकिन अभी कपड़े सूखे नहीं है तो इनको फोल्ड करके रखूँगी। और अभी फ़िलहाल धूप है, शाम तक का पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे कभी भी बारिश आ जाती है, ये देखिए बादल आ भी रहे हैं इधर उधर, और वो आज माल रोड गए हैं तो बोल रहे थे मम्मा बारिश नहीं होनी चाहिए, हम घूम के आते हैं, तो मैंने बोला जाओ तुम घूम के आओ, मुझे भी बोल रहे थे, पर फिर हमारी क्लासेस होती है बच्चों की। तो अब मैं अभी देखिए मैंने एप्रन भी डाल के रखा है, क्योंकि अभी मैं फ्री हुई हूँ किचन का काम करके, और फिर बस अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर रेस्ट करने के बाद और काम करती हूँ। अभी और भी है काम, कपड़े वगैरह फोल्ड करके रखने को है। और यहाँ देखिए यहाँ आ रहा है हमारा जो भी क्लास लगा के अब फ्री है, मस्ती मार रहा है, और इस एक्चुअली इसके आजकल टेस्ट लगे हैं, तो फिर अभी इसको थोड़ी देर पढ़ाना भी है मुझे, इसका EVS का पेपर आया है, अभी EVS का है, कल इसकी न्यूज़ की टर्न है, स्कूल से इसको न्यूज़ के लिए बोला है, तो फिर अभी वो भी पढ़ाऊँगी और फिर और काम करूँगी, पहले करूँगी थोड़ी देर रेस्ट। तो चलिए फिर आज का व्लॉग मैं यहीं तक, हेलो आराध्य, तो आज का व्लॉग मैं यहीं तक फिनिश कर दूंगी, और मिलूंगी आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय आराध्या, बाय।